बच्चों आज हम पढ़ेंगे अध्याय चार पत्ते ही पत्ते और समझेंगे इसमें क्या है। बच्चों इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग डिजाइन के पत्तों के बारे में बताया गया है। दीदी बोली, मैं पांच तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ, एक दो तीन चार। दीदी है इसमें और दीदी बोल रही है कि मैं पांच तक गिनूंगी और मेरे गिनने से पहले आप क्या करो, गिनती गोला बनाकर बैठ जाओ। दीदी जब पांच बोलेगी तो सब लोगों को बैठ जाना है। पांच बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। धड़ाम से बैठ गई मतलब जल्दी से, जोर से बैठी। जल्दी जल्दी हम जब दौड़ के बैठते हैं ना तो उसको धड़ाम से बोलते हैं। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। देखो ये लड़की बैठी है ना, देखो बच्चों सब गोला बनाकर बैठ गया है, सारे बच्चों ने गोला बनाया है और बैठ गए हैं। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। दीदी जो थी वो क्या लेकर आई थी, पत्ते। कितने सारे पत्ते, बहुत सारे पत्ते लेकर दीदी आई थी। तरह तरह के पत्ते थे, जो पत्ते थे वो क्या थे, अलग अलग तरह थे, अलग अलग तरह के थे। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, हमने का मतलब बच्चों ने पत्ते को क्या किए, अच्छे से देखे। कुछ पत्ते लंबे थे, ये देखो कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ पत्ते गोल थे और एकदम गोल, कुछ तो यहाँ दिख रहा है बच्चों, देखो पत्ते अलग अलग तरह के हैं। देखो हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे तो कुछ बड़े। देखो ये लंबा वाला पत्ता जो है, देखो कितना बड़ा है, ये देखो ये पत्ते कितना छोटा है, तो ये पत्ता अलग अलग तरह का है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, अलग अलग तरह का सारे पत्ते हैं। एक था लाल, ये देखो बच्चा लाल, एक पत्ता लाल था, लाल को इंग्लिश में रेड बोलते हैं। एक पत्ता नीला और कत्थई रंग का था, कत्थई मतलब कत्थे का कलर, कत्था जो खाने वाला होता है ना वो। देखो एक एक ही पत्ता है लेकिन दो तरह का इसमें रंग है। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, नसें मतलब पत्ता का नस मतलब जैसा हमारा नस होता है ना, ब्लड जिसमें ब्लड आता जाता है पाइप के जैसा होता है, वैसे पत्ते का भी नस होता है, नस मतलब नाड़ी। एक पत्ता कतरीला था, कतरीला मतलब किनारे का डिजाइन बनाया हुआ था, ये प्राकृतिक है, इसको हमने ही बनाया है। पत्ते पेड़ सारे लिविंग थिंग्स हैं, सजीव। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, देखो ये पत्ता जो है ना, ये पत्ते का डंठल एकदम सीधा है, देखो। एक पत्ता झालर वाला था, झालर वाला मतलब देखो इसका जो रेशा नाड़ी अभी बोले ना नस वो, और ये गोलाई में है तो इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक पत्ता झालर वाला। हमने पत्ते को छूकर देखा, कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा था, तो दूसरी तरफ से खुरदरा था, तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। बंधनवार का मतलब एक ही जगह से दोनों साइड का पत्ता निकला रहेगा, दोनों तरफ का पत्ता जो रहेगा एक ही जगह से निकला रहेगा, तो उसको बंधनवार पत्ता बोलते हैं। देखो जैसे ये पत्ता है, तो हमारा पत्ते ही पत्ते चैप्टर यही पे खत्म होता है। बाय बच्चों।